तो घर पे बैठे बैठे मैंने एक चीज सोचा, एक दिमाग लगाया मैं कि कनेक्टर आता है ना जैक, जो कि इसी टाइप 2 3 में लग जाए, तो यही आया हूँ मैं हमदर्द से पूछने के लिए। तो देखो दोस्तों, इसने बचा लिया मुझे, क्योंकि अगर ये आइडिया नहीं आया होता तो मुझे क्या क्या खरीदना पड़ता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने नया मोबाइल लिया हुआ है, और इसमें ये 3.5 mm वाला जैक नहीं है, ये अपना जो एयरफोन लग जाता है या फिर जो माइक लिया था मैं बोया का वो लग जाए। तो ये दोनों तो देखो ऐसे ही, मुझे लग रहा कि ये बेकार ही जाएगा फेंकने में, बाकी देखेंगे आज दिन भर में क्या होता है। मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ इसके बारे में, कुछ हो जाए तो जरूर कुछ करना है। तो आज ये नए वाले फोन से पहला फैमिली व्लॉग है, पहला फैमिली व्लॉग आप लोगों को नए वाले फोन से देखने को मिलेगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और कैसा लगेगा कैसा लगा है वो जरूर आप लोगों को कमेंट करना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना है। और नए फोन से कैसा सब अपना दिन भर का रूटीन दिखता है तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो देखो ये नाजिया जाके मोमोस लेके आई है, ये मोमोस की चटनी डिजाइन में निकाला है मैंने, बाकी ये मोमोस है। तो ये नाजिया है, देखो कितना साफ आ रही है अभी इस मोबाइल में, कितनी गोरी आ रही है। माँ भी साफ आ रही है, नाजिया तो सबसे ज्यादा गोरी आ रही है। हाँ नाजिया गोरी ही है, बाकी ये अपना मोमोस, आप लोग भी आओ बिस्मिल्लाह करो। तो घर पे बैठे बैठे मैंने एक चीज सोचा, एक दिमाग लगाया मैं कि कनेक्टर आता है ना जैक, जो कि इसी टाइप 2 3 mm लग जाए, तो यही आया हूँ मैं हमदर्द पे पूछने के लिए। दो दुकानों पे पूछ लिया, नहीं है वहाँ पे, मैं पूछा तो है मगर 50 रुपये का बता रहे हैं। अब पूरा गली पूछते हुए आया हूँ मैं, कहीं मिल नहीं रहा, अब क्या करें मजबूरी में, वही देखो 40 या 30 में दे तो लेना पड़ेगा। तो देखो ये है वो कनेक्टर, जो कि सी टाइप 2 3 mm जैक है। मैंने एयरफोन चेक कर लिया, वो बज रहा है, चल रहा है, बाकी अभी घर पे जाके मैं माइक भी चेक कर लेता हूँ। अगर मेरा बोया का माइक चल जाएगा तब तो अपने मजे मजे, 30 रुपये का ले लिया मैंने अंकल से यहाँ पे, ये हमदर्द पे ये स्टैंड पे लगाते हैं। तो चलो अब अपने को वो माइक खरीदने का झंझट और ये एयरफोन खरीदने का झंझट ख़त्म, इससे अपना काम चल जाएगा कुछ दिनों तक। अभी जान ही रहे हो आप लोग, थोड़ा मजबूरी है और कैसे कैसे भी मैं चला रहा हूँ मोबाइल, कैसे कैसे भी लिया मैं, तो माइक अभी खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब चलो ये अच्छा दिमाग में आ गया मेरा, अचानक से ही आया, सोचते सोचते मैं सोचा कि अरे एक कनेक्टर भी तो आता था पहले, तो वही चल के ट्राई करते मिल जाए। तो हमदर्द पे आए तो यहाँ मिल गया, बाकी और दो जगह पर नहीं था। चलो लेके चलते हैं घर पे और चेक करेंगे माइक को भी। तो देखो दोस्तों, मैंने सोचा था ये वाला लीड मेरा, देखो जो एयरफोन है 3 mm जैक वाला ये, अरे जो बोया का माइक लिया था मैं और इसी से कई दिनों से वीडियो बना रहा था मैं, ये कचरे के डब्बे में जाएगा मैंने सोचा था, पर इसने बचा लिया मुझे। ये मैंने आइडिया लगा लिया, सोच लिया टाइम से, नहीं तो कल मैं जाने वाला था नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस में जाके वो एयरफोन तो खरीद नहीं पड़ता क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने में मुश्किल हो रहा था। बाकी मैं सोच रहा था 250 वाला माइक खरीदने की, तो 250 वाला खरीदता, सही काम करता नहीं करता, बाकी ये थोड़ा महंगा वाला है बोया का, तो ये अभी मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसने बचा लिया मुझे, क्योंकि अगर ये आइडिया नहीं आया होता तो मुझे क्या क्या खरीदना पड़ता है। एक तो एयरफोन खरीदना पड़ता है, क्योंकि एयरफोन से ही मैं वीडियो एडिटिंग कर पाता हूँ, क्योंकि उसी में आवाज़ एकदम टाइम टू टाइम आता है सही से, वो ब्लूटूथ कनेक्ट करो तो उसमें वीडियो आगे बढ़ जाएगा, आवाज़ पीछे आएगा,
तो उसमें थोड़ा एडिटिंग करने में परेशानी होता है। तो ये अच्छा हुआ मैंने ये सोच लिया और लेके आ गया मैं। बाकी अभी ट्राई करते हैं, माइक भी काम कर देगा तो फिर माइक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं चेक करता हूँ लगा के माइक काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो ये तो मैं लेके गया था वहीं पे गाना सुन के मैंने चेक कर लिया था। बाकी ये ऐसे लगता है, देखो ये ऐसे लग गया। बाकी अभी ये मोबाइल में जाएगा, मोबाइल में कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं अपना माइक कैसा काम करता है। तो ये कनेक्ट हो गया, ये रहा अपना माइक। हेलो दोस्तों, माइक चेक। तो आवाज आ रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है, आवाज कैसा आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब मजा आएगा कि नहीं आएगा, अगर भीड़ भाड़ हो मार्केट हो तो इससे अपना वीडियो बन जाएगा, दोबारा कोई दूसरा माइक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी जब उतना बजट होगा तो कोई वायरलेस माइक ले लेंगे। हेलो दोस्तों, हेलो। तो देखो अभी ये भी कनेक्ट किया हूँ मैं, ये अपना एयरफोन, इसमें का आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी इसमें तो आवाज़ आ रहा है, गाना वाना सुन लिया था वहीं पे चेक कर लिया था, सही चल रहा है। अपना कितना 1000 रुपये का बचत हो गया, 30 रुपये में, 30 रुपये में अपना काम चलाऊ सब हो गया जुगाड़। अब यही माइक काम आ जाएगा और यही एयरफोन काम आ जाएगा अपना। तो देखो माइक भी काम कर रहा है अच्छे से, और लगाने के बाद ये ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हो। ऐसा बस छोटा ही सा है, कोई बड़ा नहीं है, ऐसा दिखेगा और अपना ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। और देखो इसमें लाइटिंग, देखो ये कलर भी चेंज होता है, ये देखो कलर चेंज हो गया, पीला हो गया, ये सफ़ेद हो गया, देख रहे हो। यही नाजिया देख देख के खूब जल रही है, खूब बोल रही है कि मुझे दे दे पर मैंने भी तो लिया वीडियो बनाने के लिए, अगर कोई बस ऐसे ही मोबाइल चलाना होता तो वही चलाता मैं, जब तक वो ख़राब नहीं होता जो मेरा पुराना वाला मोबाइल है। तो ये है इसका फ्लैश लाइट, ये बंद कर देते हैं। बाकी एक और लाइट है इधर, यहाँ पे देख सकते हो, ये है टॉर्च के लिए, टॉर्च जलाओ तो काम आता है, बाकी वीडियो बनाने के लिए यही चालू होगा गोल वाला। अब देखो मैं सोच रहा था कि कल ही नेहरू प्लेस जाऊँ, क्योंकि इसके जो लेंस लगवाने हैं ऊपर, और एक ये लेना था एयरफोन, क्योंकि इसमें वो 3mm जैक नहीं है मोबाइल में, तो काम नहीं आ रहा था। कल से मैंने कोई भी वीडियो बस ऐसे ही ओपन करके चला रहा था, और उसमें ज़्यादा चला भी नहीं रहा था मोबाइल, क्योंकि सो रहे थे तो रात को नहीं चला रहा था। बाकी अब चला सकते हैं और ये माइक भी काम आ सकता है। बाकी ये बल्ब एक तो ख़राब हो गया, एक और भी ख़राबी हो रहा है, तो एक बल्ब चेंज करना ज़रूरी है। अब बड़ा वाला लेके आऊँगा, 25 वाट वाला, 30 वाट वाला, ताकि अपना देखो अभी तो मोबाइल आया है नया वाला, तो इसमें साफ ही दिख रहा है, उसमें साफ इतना नहीं दिखता था पुराने वाले में। और बल्ब वगैरह रिंग लाइट वगैरह अगर लग जाए तो फिर एकदम आईफोन फेल। किधर है इधर आ। देखो मेरी बहन बहस गई है एकदम। हाँ अभी अब भाई के राजकुमार बना के रखती है दो बेटों को। हाँ भाई का इज्जत करना भूल गई है। यही सऊदी से आओ ना। अच्छा शुरू हो गया तो डर डर के रहते हैं, एक महीना खूब इज्जत करते हैं।
आज अब देखते हैं, अब तो ये आके बैठ गया है, लंगड़ा घोड़ा हो गया है। माँ भी बेटी का साथ देने लगी। देखो तो देखो नाजिया उठ के कालू के घर से जो आया है मुरमुरे और चाय नाश्ता कर रही है। देखो अम्मी गई थी शॉपिंग करने के लिए आज, ये लेके आई है, क्या है ये, आंवला, तो इसको अचार बनाएगी। ये बिस्कुट है, ये केला लेके आई है, आलू गोभी लेके आई है, आज आलू गोभी की सब्जी बनेगा। तो अभी जा रही है काटने के लिए सब्जी। ये बिस्कुट है जीरा वाला, अजवाइन वाला, जो कि हम ही खाती है। अभी केला आया है तो केला ही खा लेता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को नए फोन से दिन भर का रूटीन वीडियो, वो जरूर बताना। दिन भर का तो नहीं दिखा पाए, बस यही माइक वगैरह खरीदने का, बाकी आप लोगों को कल देखने को मिले या फिर परसों, अब तो देखने को मिलेगा ही, अब नया फोन आ गया है तो डेली तो वीडियो डलना ही है। बाकी मैंने चेक किया तो ये माइक कभी कभी काम कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है कि हिल जा रहा है, और पता नहीं अभी भी काम कर रहा है कि नहीं ये माइक, मुझे नहीं मालूम। अभी इससे पहले जो वीडियो में बनाया था तो जब मैं बाद में देखा तो पता चला कि माइक का आवाज नहीं आ रहा था, ये जो फोन है उसी का आवाज रिकॉर्ड हुआ है, और मैं उसमें तारीफ कर रहा हूँ कि माइक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं हाथ भी मार रहा हूँ तो पहले वाले फोन में मैं ऐसे हाथ मारता था तो टक टक का आवाज करता था, ऐसे फूंक मारता था तो फूंक का भी आवाज आता था, पर पता नहीं ये कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है इस मोबाइल में कि पूरा नॉइस कैंसिलेशन कर दे रहा है या फिर काम ही नहीं कर रहा है, मालूम नहीं। चलो जो भी हो, मार्केट में घूम घाम के बनाएंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे साइलेंस है घर में और ये शोर शराबा नहीं है तो पता नहीं चल पा रहा है, मार्केट में ट्राई करेंगे कभी। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो इस वीडियो में इतनी था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय सलाम, टेक केयर।